अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 38। आज के इस लेसन में हम रोटेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। रोटेट कमांड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, रोटेट में रेफरेंस का क्या फंक्शन है, कॉपी का क्या फंक्शन है, और आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्यूरेट एंगल दे के रोटेट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आटो कैट को ओपन करता हूँ। आटो कैट को ओपन किया तो रोटेट का फंक्शन मैं आपको पहले समझाता हूँ। रोटेट होता क्या है, तो रोटेट होता है, मैं फॉर एग्जांपल एक एल लाइन लेता हूँ, एक लाइन जो आपका स्पेस में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें और करने के बाद आप जब इसे मूव करेंगे F8 प्रेस करके को, तो देखें तो हमारे पास ये लाइन जो है ये रोटेट हो रही है और किसी न किसी एंगल पर रोटेट हो रही है। ये लाइन रोटेट हो रही है जी 43 पे, 45 पे, 47 पे, देखें। अब जब यहाँ से ये होगी लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई, तो अब इसको आप रोटेट करने के लिए दोबारा यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन आपके एंगल में फ़र्क आएगा और आपकी लाइन की हाइट में भी फ़र्क आएगा। तो उसके लिए हम रोटेट कमांड को यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ज़रूरी नहीं कि लाइन को, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक लाइन लेता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ और एक यहाँ से भी लेता हूँ। ओके, तो ये अलग से एक लाइन है और ये अलग से लाइन है। इन दोनों लाइन के एंगल बीच में कितना एंगल है वो हम एंगल भी डिस्कस करते हैं। एंगल भी आपको बताता हूँ कितना एंगल है। तो एंगल के लिए मैं एंगुलर पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया और यहाँ से मैं आपको एंगल बताता हूँ कितना है। 90 एंगल है, लेकिन अब मैं डिम स्केल लेके इसके एंगल को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो उसके लिए DIM स्केल लेता हूँ, एंटर करता हूँ, 2 फुट एंटर, डिम स्केल अप्लाई हो गया, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, नहीं एनवर्स पे जाके यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायमेंशन के बटन पे क्लिक करें और सॉरी अपडेट और राइट है, और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी होगा। ओके, यहाँ पे ये अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट क्लिक करें और राइट क्लिक करते हैं, अपडेट हो गया, देख सकते हैं। लेकिन मैं इसका लाइन क्योंकि काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ये टेम स्किल सही नहीं काम कर रहा है। एल एंटर करता हूँ, मैं 5 फीट की लाइन लगाता हूँ, 5 फीट की लाइन लगाता हूँ। अब एंगुलर में डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन लेता हूँ और एंगुलर डायमेंशन 90 का एंगल है, देख सकते हैं। अब मैं इस लाइन को रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो रोटेट के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो दो कमांड्स, आप रोटेट के लिए आर ओ एंटर करेंगे तब भी कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा आप मॉडिफाई में जाके, तो यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी रोटेट की कमांड ओपन अप्लाई हो जाएगी। और उसके अलावा मॉडिफाई में जाके आप यहाँ से रोटेट पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो रोटेट पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको मूव करें। आप जितने एंगल में मूव करेंगे इसको, ये आपकी लाइन रोटेट हो जाएगी, देखें। अब मैं इसको जो बेस पॉइंट होगा वहां से मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा, तो उसके लिए एम रोटेट के लिए आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, बेस पॉइंट में इसका ये लेता हूँ, इस पॉइंट से इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो अब देखें इसी पॉइंट से रोटेट हो रही है। क्लिक करता हूँ, 136 के एंगल में वापस ये रोटेट हो गई है। अब इसको आप स्पेसिफिक एक एंगल दे के भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आर ओ एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहाँ से आप इसको रोटेट करें। तो मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ 90 के एंगल में, एंटर करता हूँ। तो ये क्या, आपने तो यहाँ पे 90 के एंगल पे इसको रोटेट कर रहे थे, लेकिन ये 134 हो गया। तो 134 का फंक्शन ये है कि जो आपकी पहले वाली आपने जो रोटेट किया था, फर्स्ट रोटेट आपका 136 था, जब नेक्स्ट रोटेट किया तो 90 का जब आपने एंगल दिया तो इसने 136 को 90 के साथ ऐड करके आपको एंगल पे रोटेट कर दिया। तो इसके लिए आप एक और कमांड यूज करते हो,
वो कमांड है रेफरेंस की कमांड। तो उस रेफरेंस की कमांड से आप क्या करोगे, आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ से बेस पॉइंट से आप क्लिक करके इसको मूव करें, और आप यहाँ पे देखें रेफरेंस लिखा होगा, तो रेफरेंस की जो शॉर्ट कमांड है वो है आर एंटर। अब रेफरेंस में कह रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल जो इसका है वो है 136, एंटर। कह रहा है कि स्पेसिफाई द न्यू एंगल, न्यू एंगल है हमारे पास, हम इसको दे रहे हैं 45 का एंगल देते हैं, एंटर करें। अब देखें तो हमारे पास ये 45 के एंगल पे कमांड रोटेट हो गई है, आपकी लाइन रोटेट हो गया। तो ये रेफरेंस का ऑप्शन है। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कॉपी का, तो उसके लिए मैं रोटेट अप्लाई करता हूँ, रोटेट क्लिक किया, राइट क्लिक, और इसको मैं कॉपी भी साथ में करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दो एंगल बन जाए, रोटेट भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए, मीन हमारे पास ये जो लाइन है ये कॉपी होके रोटेट हो। तो उसके लिए आप सी एंटर करेंगे कॉपी के लिए, रोटेट करें 90 एंगल पे, आप 45 का एंगल ये आ गया, और इससे फिर 90 को ऐड करके यहाँ पे हमारे पास एक और एंगल दे दिया, और वो जो है हमारे पास एंगल आ गया। नेक्स्ट आप एंगल जो है तो उसको एंगलर से चेक कर सकते हैं, 90 के एंगल में, 45 के बाद इसने 90 के एंगल में इसको क्या किया, रोटेट किया। तो ये होता है कॉपी का ऑप्शन भी हो आपने कर लिया, और उसके अलावा रोटेट का ऑप्शन भी कर लिया। अब यही रोटेट आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहो तो ऑब्जेक्ट के भी आप अप्लाई कर सकते हो। रेक्टेंगल एक लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं जिसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और इसको ये हमारे पास बेस पॉइंट है, यहाँ से आप इसको रोटेट करें 45 पे, मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूँ, रोटेट हो गया, लेकिन ये 45 हमारे पास रोटेट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप दोबारा रेफरेंस पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और रेफरेंस अपने बेस पॉइंट इसको देंगे, और रेफरेंस के लिए आर एंटर। तो पहले हमारे पास जो ये एंगल है ये कौन सा एंगल है, तो एंगल मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल जेड 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 एल एंटर करता हूँ यहाँ से मैं, एल एंटर, क्योंकि हमारे पास एंगल का पता होना जरूरी है कि कितने एंगल पे आइए, आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, 45 के एंगल पे इसको मैं रोटेट करता हूँ, 45 के एंगल पे रोटेट नहीं हुआ तो इसका एंगल क्या है, कौन से एंगल पे ये रोटेट हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ से एंगुलर लें और फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करके देखें 135 है, हम 45 पे इसको रोटेट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए दोबारा आर ओ एंटर करें, क्लिक करें, राइट क्लिक, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करें, और रेफरेंस आर एंटर, पहला जो हमारे पास 135 है, स्पेसिफाई हमने नेक्स्ट जो देना है वो 45 का एंगल देना है, तो 45 के एंगल पे आप देखें रोटेट हो गया। और इसी तरह आप कॉपी भी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, तो आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और इसको मैं करता हूँ कॉपी के लिए सी एंटर, कॉपी करता हूँ इसको 90 पे, 90 के एंगल पे कॉपी भी हो गया और एंगल भी बन गया। तो ये जी आपके पास एंगल, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगुलर आप किस तरह मूव रोटेट किस तरह कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी एंगल में रोटेट करने के अलावा आप इसमें रेफरेंस का क्या फंक्शन होता है और कॉपी का क्या फंक्शन होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप आर और एंटर करके सब आप अपनी मर्जी से आप अपने ऑब्जेक्ट को और अपने अपने जो लेआउट बनाया हुआ है उस पर देख के आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल जो मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं उसके हिसाब से मैं इसको इस साइड पे मूव करना चाह रहा था, तो मैं क्लिक करूंगा तो इस साइड पे मूव हो जाएगा। तो ये कमांड्स हैं जी रोटेट के फंक्शन और रोटेट की कमांड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन जो जहाँ तक हमने काम किया सबके सब प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से एक प्रोफेशनल आप ऑटोकैड में आप ड्राइंग्स वगैरह बना सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।